जिसका इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर रहे थे वो दिन आ चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में जारी हो चुकी है, लेकिन 17वीं किस्त भेजने के बाद पीएम मोदी ने तीन बड़े और ऐलान कर दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो ये तीन बड़े ऐलान किए हैं वो अभी तक के सबसे बड़े ऐलान हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से बड़े ऐलान हैं जिसमें किसान काफ़ी खुशी से झूम उठे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाएंगे। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, 1 तारीख से किसानों को मिलने वाले हैं तीन बड़े योजनाओं का लाभ। ठीक है, ये पीएम मोदी ने अब तक के सबसे बड़े ऐलान किए हैं। तीन उंगली दिखाकर ये ऐलान बता रहे हैं, ये तीन योजनाओं का लाभ जो है हम किसानों को फिर से देने वाले हैं। कौन से वो तीन योजना हैं, चलिए समझाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलाकर अपने खजाने के पिटारों को खोला है। ठीक है, अब सरकार जो है, सरकार की तरफ से एक दो नहीं, टोटल तीन गारंटी दी गई है किसानों और गरीबों के लिए। ठीक है, वो तीन कौन से चीज़ हैं वो भी समझाते हैं। पहली तारीख से, यानी 1 तारीख से, जो आने वाले 1 तारीख है, 1 तारीख से सरकार की तरफ से की गई सभी वायदे में 1 तारीख से पूरे होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से वादे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि पहला वादा बताते हैं। पहले वादे में 5 साल पीएम मोदी के पूरे होने के बाद 12,000 रुपये की मांग सरकार के द्वारा, किसान के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार जो है 2,000 रुपये जो दे रही है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सभी किसानों का मांग था, जब 17वीं किस्त भेजी गई तो किसान काफ़ी नाराज हो गए, क्योंकि पीएम मोदी ने क्लियरली कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो फिर आखिर क्यों नहीं 12,000 रुपये दिया गया। इसको लेकर जो है वित्तीय सहायता के संकल्प रूप में सरकार इस पर पहल किया और सरकार के पास तीन कैटेगरी में डाला गया। पहला, कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चाहे 8,000 रुपये सालाना किया जाए, या फिर 10,000 किया जाए, या फिर 12,000 रुपये किया जाए, यही चीज़ जो है बताया गया। अब यहाँ पर चलिए हम आपको समझाते हैं कि इसमें से कौन से एक कैटेगरी को सेलेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि खुशखबरी की बात यह है कि सरकार ने एक पहल को स्वीकार कर लिया गया और इसमें से जो है किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि अब किसानों को जो है 8,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 10,000 और 12,000 नहीं दिए जाएंगे, यानी कि 8,000 रुपये जो है एक साल में दिए जाएंगे, यानी कि 2,000 रुपये और बढ़ा दिया गया। अब पीएम किसान के 8,000 रुपये देंगे। अब यहाँ पर लाइव संवाद सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा है, पहले इसको सुनिए। चलिए ये पहले मीडिया रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं और चलिए अब सीधा रुख करेंगे बड़े खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6,000 की बजाय 8,000 रुपए देने का ऐलान संभव है। आज 6,000 रुपया मोदी जी हर किसान को भेज रहे हैं, इसमें 2,000 रुपया ऐड कर हर किसान को 8,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की जैसा कि आपने यहाँ पे पीएम मोदी भी यही चीज़ बोल रहे हैं, तो अमित शाह ने क्लियरली बोला है, पीएम मोदी ने यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाया है कि 8,000 रुपये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कर दिए गए हैं। जैसा कि सुनिए, 2,25,000 करोड़ रुपये कितने, तो यहाँ पे जो है 2,25,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये जो है अब किसानों को दिए जाएंगे, यानी 17वीं किस्त मिलने के बाद अब आपको फिर से 2,000 रुपये और बढ़ोतरी की गई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी योजना की। अब यहाँ पे दूसरी योजना जो है वो है पीएम आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मोदी सरकार 3 करोड़ गरीबों को पक्का घर देने का वादा किया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जिसकी नई लिस्ट जारी हो चुकी है और 1 तारीख से जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप गरीब हैं, किसान हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अब तीसरी योजना का जो ऐलान किया है, किसान केसीसी कर्ज माफ़ी योजना। किसान केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत टोटल 9 करोड़ किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। सरकार के द्वारा यह फाइनल पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा मांग यही है, मेन मांग जो है वो यही है कि किसानों की कर्ज जो है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि फसल बर्बाद हुआ है, कहाँ से कर्जा भरेगा किसान। ठीक है, तो सरकार की ये पहल है, अब जो है 1 तारीख से जो है फाइनली इसकी लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 तारीख का इंतज़ार कीजिए, ओनली 1 तारीख का। ठीक है, इसका लाभ 100% गारंटी के साथ मिलेगा। नहीं मिलता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कमेंट कीजिए, हम और हमारी टीम आपको मदद दिलाएगी, गारंटी ले रहे हैं।
लेकिन हाँ, तभी आपका कमेंट मेरे पास आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर कमेंट कीजिएगा, तभी आपका कमेंट आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका लाइक ही मेरे मेहनत का फल है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप किस राज्य से हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।